हेलो बच्चों, नमस्ते, स्वागतम। वी आर बैक टू अवर टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन स्पेसिफिकली इन ह्यूमंस। सी बेटा, लास्ट लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। पर छोड़ो कल की बातें, आज हम कुछ नया बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। वी विल बिगिन विद एन एक्टिविटी व्हिच इज मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक। Now in your textbook, what you find is, suppose we take two test tubes. बेटा ध्यान से सुनने का, ध्यान किधर है? तेरा टीचर इधर है। Okay, you take two test tubes. अब इसमें से दोनों test tube में हम लोग 1% starch solution डाल रहे हैं। बेटा क्या डाल रहा हूं मैं? 1% starch solution। पढ़ लिया ना तू? क्या ये स्टार्च? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्च, दैट्स अ न्यू पोएम बेटा। ओके, दोनों में हम लोग डाल रहे 1% स्टार्च सॉल्यूशन। अच्छा, अब इसके बाद हमको क्या करना है ना कि फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हम लोग एक्स्ट्रा क्या ऐड करेंगे? वी विल बी एडिंग सलाइवा। ओके, एंड देन फिर दोनों भी टेस्ट ट्यूब में वी आर गोइंग टू एड आयोडीन। अब ये क्या ऐड किया हमने दोनों में? आयोडीन। ओके बेटा, देन व्हाट इज द चेंज दैट वी विल ऑब्जर्व? अब इसके लिए हमको एक बात पता होना चाहिए। पिछले लेक्चर में मैंने तुझे सिखाया था दैट स्टार्च आयोडीन व्हेनेवर दे कम टुगेदर दे गिव व्हिच कलर बेटा? ब्लू कलर। कलर कलर व्हिच कलर? ब्लू कलर। ब्लू कलर मींस स्टार्च आयोडीन। स्टार्च और आयोडीन जब भी रिएक्ट करता है ना तो ब्लू कलर दे देता है। अब ये दोनों भी टेस्ट ट्यूब में हम लोग ये नोटिस करेंगे कि इस वाले टेस्ट ट्यूब में मेरे को ब्लू कलर मिलेगा, इस वाले टेस्ट ट्यूब में मेरे को ब्लू कलर नहीं मिलेगा। यहाँ ब्लू कलर क्यों मिला? क्योंकि स्टार्च भी है और आयोडीन भी है। अच्छा, यहाँ पर भी स्टार्च है और आयोडीन है, पर यहाँ ब्लू कलर क्यों नहीं मिला? बिकॉज यहाँ सलाइवा है, तो जरूर सलाइवा में कुछ है जिसने स्टार्च को तोड़ दिया रहेगा। सो ये पूरा किस्सा अब सलाइवा का है। चलो बेटा, सो दैट्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट में वी विल रिमेंबर आवर सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करता है ना, दिस एंजाइम ब्रेक्स स्टार्च into sugar, okay? So salivary amylase, ये एक enzyme का नाम है जो हमारे saliva में होता है और ये starch को तोड़ के simple sugar में convert कर देता है बेटा। This is what you're supposed to know। अब देखो, इसलिए यहाँ पर भी starch और iodine था तो blue color मिल सकता था, पर saliva के अंदर जो enzyme है salivary amylase, उसने सारे starch को तोड़ दिया, okay? इसलिए यहाँ पर blue color नहीं मिला, यहाँ पर blue color मिलता है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलिमेंट्री कैनाल इन डिटेल। एलिमेंट्री कैनाल मींस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा। आई रिपीट, एलिमेंट्री कैनाल मींस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद माउथ एंड इट एंड्स ऑन एनस। आवर फर्स्ट एंट्री पॉइंट इज माउथ थ्रू विच द फूड एंड द वॉटर एंटर्स इन साइड। And the exit point is anus from where all the feces and the stools will come out. So, let us start with the first part in detail, that is mouth. Let's talk about mouth in detail. Achha, ab mouth ke andar humko kya kya milega beta? Mouth ke andar tumko milega teeth. Teeth is meant for chewing the food. Now, sir, हमको फूड को चीव क्यों करना पड़ता है? बेटा फूड को चबाना इसलिए पड़ता है ताकि द बिगर पार्टिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल एंड स्मॉलर पार्टिकल इज इजी टू डाइजेस्ट बेटा। ओके, दैट इज व्हाई नेचर हैज प्रोवाइडेड अस टीथ व्हिच इज मेंट फॉर चीविंग। अच्छा, नाउ फॉर टुडेस योयो बायो क्लास रिमेंबर चीविंग चबाना ये वर्ड्स यूज मत करो। आई विल गिव यू अ बेटर वर्ड। This act is called as mastication.
बायोलॉजी में चीविंग को मैस्टिकेशन कहा जाता है, ये याद रखने का बेटा। सो आज के बाद नो मोर चीविंग, मैस्टिकेशन, ओके। चलो मूविंग ऑन। और तो और इसके अलावा माउथ के अंदर और क्या मिलेगा बेटा? माउथ के अंदर यू विल फाइंड सलाइवा। सलाइवा इज मेंट टू मेक द फूड वेट सो दैट द फूड स्लाइड्स डाउन वेरी इजीली, करेक्ट, ताकि खाना आसानी से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्लाइड हो सके। दैट इज द रीजन व्हाई सलाइवा इज प्रोवाइडेड। अच्छा नेक्स्ट, सलाइवा आल्सो कंटेन्स एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स विल कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड बेटा। सो इट विल कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल। अदर देन दैट व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड द माउथ? टंग, द मोस्ट डेंजरस वेपन बिकॉज इट कैन ब्रेक एनी हार्ट। तुम किसी को कुछ कड़ू बोल दो, कुछ उल्टा बोल दो, दिल टूट जाता है ना बेटा। ओके सो टंग इज माइटियर देन स्वॉर्ड, रिमेंबर। ओके सो नेचर हैज प्रोवाइडेड टंग। अच्छा अब टंग क्यों दिया है? सो दैट बकबक कर सके? नहीं, टंग इसलिए दिया है सो दैट इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा। हमारे खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए टंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है बेटा। वेल सो दैट्स ऑल अबाउट माउथ का डिटेलिंग। देन द फूड गोज इनटू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज फैरिंग्स। बच्चा इन माय नेक्स्ट लेक्चर ना मैं तेरे को डाइजेस्टिव सिस्टम का सिर्फ डायग्राम सिखाएगा, आज तेरे को सिर्फ थियरी सिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा? ओके सो देन द फूड गोज इनटू फैरिंग्स। फैरिंग्स इज अवर थ्रोट रीजन बेटा। ओके हियर द फूड कम्स आफ्टर स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग के लिए रिमेंबर अनदर फैंसी बायो वर्ड डिग्लूटिशन। आई जस्ट लव दिस वर्ड डिग्लूटिशन। ओके तो खाना निगलना, खाना स्वॉलो करना, आज के बाद बोलने का डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन मींस स्वॉलोइंग। ओके सो वंस वी स्वॉलो द फूड पासेस थ्रू अवर फैरिंग्स एंड देन द फूड गोज इन टू द नेक्स्ट पाइप विच इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। Esophagus is a long pipe and food passes through the esophagus. Okay, so after swallowing the food goes through a long tube that is called as esophagus. And when the food passes through the esophagus, it follows a movement and that movement is called as peristalsis. Now, bacha, you need to remember the definition of peristalsis. What is peristalsis? Peristalsis is alternate rhythmic contraction and relaxation. But I am writing in short form. Tum notes banaoge na, you write in full form. Alternate rhythmic contraction and relaxation. Now suppose for example, you take your friend's esophagus out. Ye jo pipe hai na, isko nikal lo. But before removing, you should take permission. Na? Because bio people are mannered people. ओके तमीज होना चाहिए तो पूछ के निकालने का कि मेरे को तेरा इसोफेगस चाहिए पढ़ाई करने के लिए, देना जरा दो मिनट, ले लेने का। ओके अगर ना बोलेगा फिर भी ले लेने का, दोस्ती किया ना तो निभाना पड़ेगा। ओके ये तेरे फ्रेंड का इसोफेगस है, अब ये इसोफेगस को सुला देते हैं तो ये हो गया वो पाइप। ओके राइट, नाउ यू इमेजिन दिस पाइप इज लाइक योर टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में कैसा, तू यहां से दबाएगा, नीचे से दबाएगा तो पेस्ट आगे आता है, तो आगे का पार्ट फूल जाता है, फिर तू वो पार्ट को दबाता है तो टूथपेस्ट और आगे जाता है, आगे का पार्ट फूल जाता है, फिर इसको प्रेस करेगा तो और आगे जाएगा। यानी क्या हो रहा है, जब तू टूथपेस्ट को नीचे से दबा रहा है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उसका कंटेंट आगे गया और आगे वाले पार्ट का रिलैक्सेशन हुआ, कंटेंट आने की वजह से वो वाला पार्ट विल स्वेल अप ना बेटा, फिर जिसका रिलैक्सेशन हुआ तो उसी का कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वो कॉन्टेंट और आगे जाएगा, राइट। सो क्या हो रहा है, रिदम में रिदम एक ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है जिसकी वजह से कंटेंट इज पुश्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वैसे इस ईसोफेगस में व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन द फूड मूव्स हियर, सो देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ दिस पार्ट, देन दिस पार्ट ऑफ द ट्यूब अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन, द फूड जंप्स फॉरवर्ड, देन दिस पार्ट अंडरगोस रिलैक्सेशन, देन दिस रिलैक्स्ड पार्ट विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन सो दैट द फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड। दैट्स हाउ ऑल्टरनेट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर करके द फूड पासेस फ्रॉम द ईसोफेगस इनटू स्टमक, फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इनटू एनस, फ्रॉम एनस आउट।
That's simple and that's amazing beta. Okay, so peristalsis is alternate rhythmic contraction and relaxation. ये याद रखना. And peristalsis always pushes the food in forward direction. In fact, let me tell you, peristalsis के वजह से तेरा खाना यहाँ से उतर के तेरे पेट तक जाता है. एक नई बात सिखाऊँ मजेदार. यही peristalsis को अगर तू reverse peristalsis बोलेगा ना, reverse peristalsis is nothing but vomiting. So आज के बाद vomiting, उल्टी पलटी बोलेगा reverse peristalsis. Reverse peristalsis is the term for vomiting in biology. Remember that. Okay? चलो moving on. Then after esophagus, the food enters into the next part, which is called as stomach. स्टमक की सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये याद रख कि स्टमक इज जे शेप. इट इज जे शेप्ड ऑर्गन. नेक्स्ट रिमेंबर, इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. सो इफ आई हैव टू ड्रॉ इट, आई वुड लाइक टू शो इट टू यू लाइक दिस. ये देख तू ध्यान से, ये स्टमक. ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा अल्फाबेट जे जैसा हो गया ना, राइट? सो जे शेप एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. दैट मींस इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, माय ईसोफेगस कम्स डाउन लाइक दिस. यू सी दिस ईसोफेगस, ये टाइनी रे, इसके अंदर ईसोफेगस. ओके, ईसोफेगस है, उसके बाद माय स्टमक टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स माय लेफ्ट. तेरे बॉडी में जैसे तू बैठे ना, ये तेरा ईसोफेगस है, फिर तेरा स्टमक ऐसा टर्न मारेगा. सो तेरे लेफ्ट साइड पे. सो इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. अच्छा, दूसरी बात, स्टमक के स्टार्टिंग में और स्टमक के लास्ट में देर आर रिंग्स. ओके, देर इज रिंग्स ऑफ मसल्स. रिंग्स ऑफ मसल्स आर कॉल्ड एज स्फिंक्टर्स. सो दिस इज फर्स्ट स्फिंक्टर, दिस इज सेकेंड स्फिंक्टर. सो स्टमक में फूड एंटर्स एंड एग्जिट्स थ्रू स्फिंक्टर. स्फिंक्टर इज रिंग ऑफ मसल. लेट मी टेक दिस स्फिंक्टर आउट. यू सी दिस रिंग, इट कैन क्लोज एंड इट कैन ओपन. इसके ऊपर ईसोफेगस है और यहां स्टमक है. दिख रहा है तेरे को? हाँ बोलने का, नहीं तो तेरा स्टमक निकाल देगा बाहर. ओके, अब जब खाना ऊपर से आता है ना, तो पहले ये स्फिंक्टर बंद रहता है. जैसे खाना यहाँ आएगा ना, तो ये स्फिंक्टर खुलेगा, फिर खाना स्टमक में जाएगा. यहाँ आएगा खाना अंदर, तब तक ये स्फिंक्टर बंद रहता है बेटा. ओके, फिर खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है ना, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तब वो स्फिंक्टर ओपन होता है. सो स्फिंक्टर is nothing but this ring of muscle. Don't forget, sphincters are rings of muscles. और stomach के ऊपर और नीचे, उसके starting और उसके end में एक-एक sphincter है बेटा. Next, stomach के अंदर, what you will find is three important chemicals. Okay, right? जिसको हम लोग short में बोलेंगे, MPH, MPH. Flow पकड़ा? MPH, MPH. Remember, okay? M से आता है mucus. P से आता है पेप्सिन. ये पीने वाला पेप्सी नहीं है, पेप्सिन है, स्पेलिंग देख. और H से आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब बात ध्यान से सुन, MPH, MPH, म्यूकस, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीन केमिकल्स हमारे स्टमक के अंदर निकलते हैं बेटा. अब इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम इनसाइड द स्टमक. And because of this acidic medium, it activates pepsin. यानी pepsin को काम करने के लिए ना stomach के अंदर acidity होना चाहिए. और वो acidic condition कौन बना के देगा? Hydrochloric acid. So hydrochloric acid maintains the acidic medium inside the stomach and it activates pepsin. फिर pepsin क्या करता है? P से pepsin, P से protein. तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है बेटा. ओके, अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और काम, इट किल्स जर्म्स. बराबर है ना? देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने के मामले में हम सोचता नहीं है, जो मिलता है वो खा जाता है. जो हमको रोकता है उसको तो पहले खा जाते हैं हम लोग. सो व्हेन यू आर ईटिंग आउटसाइड, ये तो खाता है ना वड़ा पाव, सड़ा पाव, तो उसमें बैक्टीरिया, ये जर्म्स, ये सब अंदर आ जाते हैं. तो ये जब बैक्टीरिया ये सब आते हैं ना यहाँ पे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको भी डिस्ट्रॉय करता है.
ओके नेक्स्ट, म्यूकस क्या करता है ना, आप बात ध्यान से सुन, कभी एसिड का दो ड्रॉप ले और अपने दोस्त पे ऐसे छिड़क के दे, नाचने लगेगा तेरा दोस्त, बिकॉज एसिड्स आर कोरोसिव्स, दे कॉज ट्रेमेंडस बर्निंग सेंसेशन बेटा। ओके अब वही सोच, पेट के अंदर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, सो स्टमक का जो इनर वॉल है, यानी ये और ये वाला जो वॉल है बेटा, वो एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए स्टमक क्या करता है ना, जब वो एसिड रिलीज करता है तो अपने इनर वॉल को म्यूकस से कवर कर लेता है। सर म्यूकस क्या होता है? म्यूकस इज ए स्टिकी डिस्चार्ज। हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो स्टिकी डिस्चार्ज है ना, बचपन में तू क्या करता था, यू यूज्ड टू पुट योर फिंगर्स इनटू योर नॉस्ट्रिल्स एंड यूज्ड टू डायल नंबर, ट्रिंग ट्रिंग, यूज्ड टू रिमूव दैट स्टिकी डिस्चार्ज, यूज्ड टू प्ले ये बैड मैनर्स, ऐसा करने का नहीं बेटा। नाक के अंदर जो स्टिकी डिस्चार्ज है ना, उसको बोलते हैं म्यूकस। वो ही म्यूकस, उसी तरह का स्टिकी डिस्चार्ज स्टमक के अंदर भी होता है। तो स्टमक क्या करता है ना, जब एसिड रिलीज करता है तो एसिड रिलीज करने के टाइम वो अपने इनर वॉल को पूरा म्यूकस से कवर कर लेता है। तो देख, ये पूरा म्यूकस है। अब ये म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। लाइनिंग का मतलब लेयर, तो स्टमक के अंदरूनी लेयर को बचाता है म्यूकस। और अगर म्यूकस नहीं होता ना, तो स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड वुड हैव डाइजेस्टेड इटसेल्फ। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो डाइजेशन। क्या कमाल का इंफॉर्मेशन है, सोच अगर तेरे स्टमक के अंदर म्यूकस नहीं होता, योर स्टमक वुड हैव डाइजेस्टेड इटसेल्फ। स्टमक खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता बेटा, क्योंकि उसका एसिड खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देता बेटा। ओके सो म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यू हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ एसिडिटी? दैट इज नॉट एसिडिटी यूजुअली, इट इज हाइपर एसिडिटी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, पेट दुख रहा है, पेट में जलन हो रहा है, डकार आ रही है, ओके चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं ड्रैगन बन गया, मैं आग उगल रहा है, आई एम एमिटिंग फायर, राइट। ये सब एसिडिटी का तकलीफ होता है बेटा। एसिडिटी का तकलीफ क्यों होता है, जब किसी के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्वांटिटी बढ़ जाए या तो फिर म्यूकस का क्वांटिटी कम हो जाए। देखना, एसिड बढ़ जाएगा या तो फिर म्यूकस का क्वांटिटी कम हो जाएगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखो डॉक्टर अवस्थी के द्वारा, याद रखना, यू विल ब्लेस मी फॉर दिस बेटा। पीपल दोज हु आर कंप्लेनिंग ऑफ बर्निंग इन द एब्डोमेन, ओके बर्निंग इन द चेस्ट, लॉट ऑफ बर्पिंग, बहुत डकार ये सब आती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, सो उनको क्या याद रखना चाहिए, वी एज डॉक्टर्स, मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम लोग ने ट्रीटमेंट में दवाई से भी ठीक किया है और लाइफस्टाइल से भी ठीक किया है। लाइफस्टाइल के टर्म्स में तुम लोग ये याद रखो, नंबर वन, ज्यादा तेल मिर्ची मसाले वाला आचार पापड़ चटनी ये सब ज्यादा खाने का नहीं बेटा। ओके ईट सिंपल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट, दाल चावल फल फ्रूट सब्जी ये सब ज्यादा से ज्यादा खाओ। दूसरी बात, खाना खाने के बाद तुरंत सो नहीं जाने का, एटलीस्ट 45 मिनट्स का गैप होना चाहिए, ओके उसके बाद यू कैन लाई डाउन बेटा। तीसरी बात, यू शुड ईट राइट फूड एट द राइट टाइम, प्लेस डज नॉट मैटर, शर्म नहीं करने का, रेलवे स्टेशन पे बैठा है कि बस स्टॉप पे बैठा है, अगर तेरा खाने का टाइम हो गया बेटा यू शुड ईट। खाना अगर डीले करोगे, देरी से खाओगे, खाने का टाइमिंग अगर चेंज करोगे तो तुमको एसिडिटी की शिकायत जरूर होगी बेटा। ओके उसके अलावा फिर भी अगर एसिडिटी की शिकायत रहती है, देन यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम योर डॉक्टर एंड यू कैन टेक मेडिसिन फॉर इट। ओके सो वेल, दैट्स ऑल अबाउट द स्टमक, दैट्स ऑल अबाउट हाइपर एसिडिटी। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द फिफ्थ ऑर्गन। Now the fifth organ in the human digestive system is small intestine. Small intestine बोले तो छोटा intestine। अब मेरी बात ध्यान से सुना, small intestine जो है ना, it is approximately around 5 to 6 meters long. 5 to 6 meters long. और large intestine जो है ना बेटा, इसके कंपैरिजन में लार्ज इंटेस्टाइन इज ओनली 1.5 मीटर्स लॉन्ग। ओके आई विल राइट ओवर हियर, ओके दिस वाज नंबर 5, दिस इज नंबर 6।
अच्छा नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि सर जो छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है, क्या गड़बड़ है ये सर? ये गड़बड़ नहीं है, इंग्लिश पे ध्यान दे। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दे आर नॉट नेम्ड डिपेंडिंग अपॉन इट्स लेंथ, दे आर नेम्ड डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायामीटर, डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज। लिसन टू बी वेरी केयरफुल, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दे आर नॉट नेम्ड डिपेंडिंग अपॉन इट्स लेंथ, लेंथ के हिसाब से नहीं, लेंथ के हिसाब से रहता ना तो लॉन्ग इंटेस्टाइन और शॉर्ट इंटेस्टाइन, दिस वुड बी द करेक्ट ग्रामर, बट दे आर नॉट नेम्ड डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, दे आर नेम्ड डिपेंडिंग अपॉन द साइज। नाउ चेक दिस, यू सी द डायमीटर, सो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है, मोटा वाला पाइप है इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, फिर उसका लेंथ कितना भी रहने दे, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा है बेटा इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, फिर उसका लेंथ रहने दे, बिकॉज लेंथ के हिसाब से नाम नहीं रखा है, उसके साइज उसके डायमीटर के हिसाब से उसका नाम रखा है। अच्छा दूसरी जरूरी बात, सोचो इतना बड़ा 5 to 6 meter, 1 meter इज दिस मच, 5 to 6 meter लंबा है और पेट में, तो कैसा गॉड प्लेस किया रहेगा उसको? सो इट इज प्रेजेंट इन अवर एब्डोमेन इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंसिव क्वाइलिंग, बहुत लपेट लपेट के गॉड ने उसको अंदर रख दिया, जैसा रेलवे ट्रेन में गर्दी होता है ना वैसा स्मॉल इंटेस्टाइन का गर्दी हमारे पेट में। ओके सो इट इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंसिव क्वाइलिंग, ये याद रखने का। चल दूसरा एक बहुत कमाल की बात दिखाता हूँ बेटा, मैं दो स्मॉल इंटेस्टाइन ड्रॉ करता हूँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन देखती हूँ, ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन देखती हूँ, आप पहचान दोनों में से कौन सा वाला लायन का स्मॉल इंटेस्टाइन है और कौन सा वाला डियर का है, पहचान? मैं तुम्हें हिंट देता हूं, ये देख, ये लायन का स्मॉल इंटेस्टाइन और ये डियर का। हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं ना, जो लोग हर्ब्स खाते हैं यानी वेजिटेरियन डाइट वाले, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ लंबा होता है बेटा। क्यों लंबा होता है? बिकॉज इनके खाने में हर्ब्स में सेल्यूलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है बेटा, एंड सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है, और कार्निवरस जो मांस मच्छी मीट फ्लैश खाते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, बिकॉज मीट gets digested easily। तो ये पॉइंट याद रखना, herbivores they are known to have longer small intestine and carnivores they are known to have shorter small intestine बेटा, very 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 important point, because herbivores का diet is all grass, okay, grass contains fibers that is a cellulose and cellulose it takes time to get digested, carnivores they eat meat and meat gets digested very quickly very easily beta, that is the reason why the length of the intestine is shorter। chalo moving on next, now next concept is slightly thoda ajeeb sa, yahan dekho beta ye esophagus, ye kya beta stomach, stomach ke baad ab ye small intestine chalu hua beta, okay acha ab यहां पर ना स्मॉल इंटेस्टाइन के इस तरफ एक और ऑर्गन होता है जिसका नाम है पैनक्रियास। आई होप यू कैन रीड दिस बेटा, हाँ ओके पैनक्रियास, और ना यहां पर एक और ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड एज लीवर। अब मेरी बात ध्यान से सुन, जब तेरा खाना स्टमक में होता है ना, योर फूड इज इन स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट्स ऑन द फूड, नाउ दिस फूड अलोंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन इट कम्स फ्रॉम योर स्टमक
इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दिस एसिड कोटेड फूड कैन डिस्ट्रॉय द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक के इनर वॉल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्यों? क्योंकि स्टमक के पास ज्यादा से ज्यादा म्यूकस था. ओके, पर ये एसिड वाला खाना अब तेरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदरूनी दीवार को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर ऐसा होता नहीं है. क्यों? क्योंकि इससे पहले ये खाना यहां पर आया, लीवर और पैनक्रियास अपना अपना लिक्विड छोड़ छोड़ के स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा का पूरा अल्कलाइन कर देते हैं. अल्कलाइन मींस बेसिक, जिसके वजह से एसिडिक खाना इट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड. सो लीवर एंड पैनक्रियास विल रिलीज देयर ओन सिक्रीशंस, देयर ओन जूस विच विल फिल अप द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट विल मेक द स्मॉल इंटेस्टाइन अल्कलाइन इन मीडियम. अल्कलाइन इज ऑपोजिट ऑफ एसिडिक बेटा. फिर ये एसिडिक फूड जब वो अल्कलाइन लिक्विड में आता है ना, तो कुछ असर नहीं कर पाएगा. अब सीखना ये है कि लीवर से कौन सा लिक्विड निकलता है, तो ये याद रखो, लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग बाइल जूस. और बाइल जूस क्या कर देगा ना, पूरे मीडियम को अल्कलाइन कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन. सो इट प्रोवाइड्स द अल्कलाइन मीडियम. नेक्स्ट, बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं बेटा. दीज बाइल सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग फैट ग्लोब्यूल्स. नॉर्मली हम लोग जो भी खाना खाते हैं ना, उसमें जो फैट्स होता है, फैट्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स, दैट इज स्फेरिकल बॉडीज. एंड दीज ग्लोब्यूल्स दे आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम. खाने का कोई भी एंजाइम, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम फैट्स को डायरेक्टली नहीं तोड़ सकता बेटा. अब उसको तोड़ने के लिए लीवर से है ना बाइल जूस रिलीज होता है, और बाइल जूस के अंदर केमिकल होता है जिसको बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं. और बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, ये फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं बेटा, तोड़ देते हैं. और एक बार फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ दिया ना, फिर बाकी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स फैट्स को आगे तोड़ सकते हैं. सो बाइल सॉल्ट्स विल ब्रेक द फैट ग्लोब्यूल्स एंड देयर बाय दे मेक एंड दे इंक्रीज the efficiency of digestive enzymes. यानी आप बाकी के digestive enzymes fats को तोड़ सकते हैं, directly नहीं तोड़ सकते क्योंकि fat globules के form में, और globules के form पे है ना कोई भी enzyme fats को तोड़ नहीं सकता. सिर्फ bile salt जब इसको तोड़ देगा ना, फिर बाकी के enzyme fats का further digestion कर देंगे बेटा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर सपोज टू नो ओवर हियर इज कि पैनक्रियास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग पैनक्रियाटिक जूस. अच्छा, अब पैनक्रियास को हम लोग थोड़ा देसी स्टाइल में बोलते हैं, लेट अस कॉल इट एज पानक्रियास. पान यू नो ना, लोग पान खा के थूकता है ऐसा, बैड मैनर्स बेटा. ओके, अब कोई पान खा के थूकेगा ना, तो तू उसको लात मारने का, मार देने का लात. हाँ सर, लात मारने का. ये सच्ची का लात नहीं मारने का, रे मजाक कर रहा है बेटा, अपना टेक्निक है. सो पैनक्रियास, कोई पान खा के थूकेगा तो लात मारने का. नाउ व्हाट डज दिस टीच, दैट पैनक्रियास विल रिलीज पैनक्रियाटिक जूस. और ये पैनक्रियाटिक जूस में तीन एंजाइम होते हैं जिसको हम लोग शॉर्टकट में लात के फॉर्म में याद रखेंगे. एल का मतलब लाइपेस, ए का मतलब अमाइलेस, और टी का मतलब ट्रिप्सिन. सो पैनक्रियाटिक जूस यानी पैनक्रियास जो लिक्विड छोड़ता है ना, उसमें तीन एंजाइम है, लाइपेस, अमाइलेस और ट्रिप्सिन. लाइपेस क्या है ना, फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं बेटा. अमाइलेस विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च. ओके, पता है ये अमाइलेस सलाइवा में भी था बेटा, हम लोग बात कर रहे थे सलाइवरी अमाइलेस, याद है ना कि भूल गया? ओके, याद रखने का बेटा. और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स. सो शॉर्ट में ऐसे याद रखो, पान खा के कोई थूका तो उसको लात मारने का. लात मतलब लाइपेस, अमाइलेस और ट्रिप्सिन. लाइपेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट्स डाइजेशन, अमाइलेस फॉर स्टार्च डाइजेशन एंड ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. वेरी इंपॉर्टेंट है. चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर लॉन्ग, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू.
अच्छा अब एक बात ये याद रखो कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता बेटा, जितना डाइजेशन होना है वो सब का सब स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। सो आई विल राइट डाउन वन पॉइंट ओवर हियर, इन स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड। जितना भी डाइजेशन होना है ना वो सब का सब स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता। सो इन स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड बेटा। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग जूम करके देखते हैं। ये देखो समझो एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू टीच यू बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा फिंगर लाइक फोल्ड्स होता है। ये देख, वन सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर, ओके okay? और यही ऊपर भी रहेगा बेटा, वन टू एंड थ्री। इसमें से एक फिंगर लाइक फोल्ड को बाहर निकालता हूं मैं। दिस फिंगर लाइक फोल्ड इज कॉल्ड एज विलाय। सो विलाय इज नथिंग बट इट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कॉन्सेप्ट सुन ध्यान से। सपोज तुमने ना अपने दोस्त का स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल लिया, उसका पेट काटने का, रिमूव ऑल द स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, काटने से पहले यू शुड टेक परमिशन, बिकॉज बायो स्टूडेंट्स आर मैनर्ड स्टूडेंट्स। वो ना बोलेगा ना फिर भी निकाल लेने का, क्योंकि दोस्ती की है तो निभाना पड़ेगा। अब तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल के स्ट्रेट कर दो, ये दिख रहा था उसका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब गॉड ने क्या किया ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा फोल्ड्स क्रिएट किया, फिंगर लाइक फोल्ड्स। दिस फिंगर लाइक फोल्ड्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विलाय। अगर ये विलाय नहीं होता तो सोच क्या होता, हटा दे विलाय, देन इट्स लाइक अ कार ऑन अ हाईवे। क्योंकि विलाय है सो विलाय दे आर लाइक स्पीड ब्रेकर। अब स्पीड ब्रेकर रहेगा तो गाड़ी आएगा, रुकेगा, फिर जाएगा धीमे से, फिर रुकेगा, फिर जाएगा धीमे से, राइट। और अगर ये नहीं रहता तो गाड़ी जूम धूम मचा ले, राइट, ओके। सो अब क्या ना, गॉड ने विलाय क्यों क्रिएट किया, ताकि खाना आए, रुके। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना टिकना चाहिए, जितना देर तक वो टिकेगा उतना वो तोड़ा जाएगा, उतना वो डाइजेस्ट होगा। अगर ये विलाय नहीं होता ना तो खाना फटाफट निकल जाता, बिकॉज ऑफ पेरिस्टाल्सिस, ऑल्टरनेट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और खाना अगर निकल जाता फटाफट तो हम लोग उसको तोड़ नहीं पाते, अगर तोड़ नहीं पाते तो खाने से उतने न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं मिलते जितने हमको मिलना चाहिए। समझो वन लड्डू, ये तेरे दोस्त का स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लड्डू डाला मैं यहाँ से, दिस लड्डू गिव्स मी 100 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कितना ताकत दे सकता है 100 कैलोरीज। अगर समझो विलाय नहीं है तो ये लड्डू ऐसा फटाफट गया, निकल गया। सो पॉटी में जो लड्डू निकलेगा ना उसमें अभी भी है ना 90 कैलोरीज है, यानी तेरे बॉडी को सिर्फ 10 कैलोरीज ही मिला, 90 कैलोरीज वेस्ट हो गया, निकल गया। अब गॉड क्या किया, विलाय बनाया। नाउ द लड्डू पासेस थ्रू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो विलाय की वजह से द लड्डू वेट्स 10 कैलोरी टूट गया, और 20 कैलोरीज टूटा, और 30 कैलोरीज टूटा, बॉडी को एनर्जी मिलते जा रहा है। एंड देन द लड्डू का वेस्ट लेफ्ट ओवर पार्ट कम्स अप, बॉडी को पूरा का पूरा 100 कैलोरीज एनर्जी मिला। सो बच्चों ये याद रखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज विलाय। विलाय इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया देता है ताकि खाना डाइजेस्ट हो पाए और खाना एब्जॉर्ब हो पाए। एक और बात सुन, विलाय के अंदर ना यहां पर ब्लड कैपिलरीज होती है बेटा। सो आई विल नेम दिस। सो विलाय के अंदर व्हाट विल यू फाइंड, यू विल फाइंड ब्लड कैपिलरीज। सो दैट नाउ व्हेन द फूड, एफ फॉर फूड, व्हेन द फूड पासेस ओवर द विलाय, the food is constantly broken down and it is absorbed into this blood capillaries. So ये खाना टूटते भी जाएगा और जो जो digested food है वो blood capillaries में जाएगा। blood capillaries में मतलब वो blood में गया, and then blood will carry it to different parts of the body, and then different parts of the bodies and the cells and the tissues will utilize this food for obtaining energy. They will utilize this food for repair of tissues. They will utilize this food for growth and development of the body. So, इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि खाना हमारे पेट से
ओके, पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय, विलाय के अंदर ब्लड कैपिलरीज, वहां पे डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होता है, फिर वहां से ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इमेजिन, इट इज सो अमेजिंग। खाना सिर्फ खाने का नहीं, याद भी रखने का कि किधर को जाता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में रिमेंबर ऑल द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड कम्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन होएगा नहीं, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन में सारे के सारे अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड आते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन उसको अल्टीमेटली दे देगा किसके पास, एनस के पास। एंड फ्रॉम एनस व्हाट वी अल्टीमेटली पास इज स्टूल्स, stools are also called as feces, which is also called as potty, right? Okay, chalo bachcho, so take good screenshot of this, iska screenshot le lo. All right, so potty ho gaya, potty ho gaya, yani concept ho gaya beta, okay, I'm just kidding beta. So that's all for this particular lecture. Next lecture mein I am going to teach you the diagram of human digestive system. Today I have taught you only the theory part of it. Next lecture mein we are going to talk about the diagram part of the human digestive system in detail. I hope bachcho you all have enjoyed this learning. I hope bachcho that you all are going home with good take home message for hyperacidity, good take home message for herbivorous and carnivorous diet. Okay, lots of learning. Keep reading, keep enjoying your learning beta. Read bio, bleed bio, yo yo bio. Thank you.